वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो लेसन बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। भारत सरकार ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें हमें पता लगा कि 2016 में 11,379 फार्मर्स ने आत्महत्या कर ली। 11,379 फार्मर्स किल्ड देमसेल्व्स इन 2016। इस डाटा के मुताबिक 2016 में हर एक घंटे में कम एक किसान ने अपने आप को मार लिया। नथिंग कैन बी मोर सैड और ट्रेजिक फॉर एनी सोसाइटी दैट आर फूड सोल्जर्स, जो हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इतने लोग इंडिया में टेररिज्म की वजह से नहीं मर रहे जितने एग्रीकल्चर में क्राइसिस की वजह से मर रहे हैं, एंड स्टिल दिस इशू इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट शुड बी। और क्या कुछ हमें इस रिपोर्ट से पता लगा, लेट अस डिस्कस नाउ। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2016। इस रिपोर्ट को 3 साल के डिले के बाद रिलीज किया गया, और 3 साल के डिले के बाद रिलीज हुई ये रिपोर्ट हमें बताती है दैट 11,379 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन 2016। सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 31 किसानों ने हर दिन आत्महत्या की। 8.6% ऑफ दीज फार्म सुसाइड्स वर कमिटेड बाय वुमेन फार्मर्स। एज पर दिस रिपोर्ट 11,000 से ज्यादा फार्म सुसाइड्स में किसान भी हैं और खेत मजदूर भी हैं। 6,270 किसानों ने 2016 में सुसाइड किया और 5,109 खेत मजदूरों ने सुसाइड किया। 2015 के मुकाबले 2016 में फार्मर सुसाइड्स की रेट में कमी आई है, लेकिन जो खेत मजदूरों का सुसाइड है वो 10% बढ़ गया है। नाउ दिस रिपोर्ट ऑल्सो टेल्स अस द स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा फार्मर और फार्म लेबरर सुसाइड कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स महाराष्ट्र हैज बीन टॉपिंग दिस लिस्ट। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं काफी सालों से, एंड कॉन्टिन्यूइंग द ट्रेंड इन 2016 एज वेल, महाराष्ट्र हैज बीन एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट। 33% के करीब जो फार्मर सुसाइड्स हुए हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र में हुए हैं। दैट मींस 1/3 ऑफ द टोटल फार्मर सुसाइड्स दे आर हैपनिंग इन महाराष्ट्र। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें इस रिपोर्ट से पता लगे, लाइक तेलंगाना व्हिच वाज अमंग द वर्स्ट स्टेट्स, इस साल वो टॉप 5 में नहीं है। उसने अपनी रैंक को बहुत इंप्रूव किया है एंड फार्मर सुसाइड्स को बहुत कम किया है, एंड एज अ रिजल्ट तेलंगाना जो कि 3rd नंबर पे था इन 2015 इन नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स, अब वो टॉप 5 स्टेट्स में नहीं है। अदर देन दिस द ट्रेंड हैज बीन ऑलमोस्ट सेम। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड्स हैं, दिस इज फॉलोड बाय कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। नाउ दिस इज अनदर वेरी सैड फैक्ट दैट एज पर एन आरटीआई रिप्लाई 15,000 से ज्यादा किसान महाराष्ट्र में 2015 और 2018 के बीच में आत्महत्या कर चुके हैं। सो दैट शोज हाउ बैड द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इन महाराष्ट्र। तो पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया की ये नेशनल एवरेज है। 1995 से 2007 के बीच में 2,00,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया, एंड आफ्टर 2007 2008 से 2015 के बीच में 1,00,000 से ज्यादा किसानों को सुसाइड करना पड़ा। एंड द ओनली गुड न्यूज हेयर इज दैट पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड जो है फार्मर सुसाइड्स का, फ्रॉम 16,000 फार्म सुसाइड्स इन 2001, इन 2016 इट हैज रिड्यूस्ड टू 11,379। तो नो डाउट फार्मर सुसाइड्स कम हो रहे हैं, लेकिन स्टिल हर एक घंटे में एक किसान का मर जाना इज अ वेरी सीरियस इशू। नाउ एनसीआरबी हर साल अपनी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट में कॉजेस स्टेट करता है, causes बताता है फार्म सुसाइड्स के, बट इन 2016 कोई भी causes बताए नहीं गए हैं इन द एनसीआरबी रिपोर्ट। Now earlier the causes were like crop loss, debt, illness. These were the causes जिसकी वजह से किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे थे। Now in 2016 हमें कारण नहीं पता चले हैं because this data has not been released by NCRB. Now ये causes हमें policy making में बहुत help करते हैं, ये किसानों की आत्महत्या कम कैसे की जाए इसमें बहुत help करते हैं। Like in 2015 कुछ causes से हमें पता चला कि 80% of the debt ridden farmers जिन्होंने कर्जा ले रखा था और जिन्होंने suicide कर लिया, उन्होंने जो loans लिए थे, जो कर्जा लिया था वो फॉर्मल सोर्सेज से लिया था। तो अक्सर ये माना जाता है कि जो किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं वो लोकल मनी लेंडर से बहुत ज्यादा ब्याज दर पर कर्जा ले लेते हैं, बट इन 2015 रिपोर्ट हमें ये पता चला कि ये सच नहीं है। सो अकॉर्डिंगली अगर हमें कारणों का पता हो तो पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, सरकार वो अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बना सकते हैं और फार्मर सुसाइड्स कम करने के लिए काम कर सकते हैं। ये सब हमें इस रिपोर्ट से पता लगा जो भारत सरकार ने रिलीज की। नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक
चीज़ जो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि फार्मर्स की इनकम जो है वो 2022 तक डबल कर दी जाए। नाउ ये कैसे किया जाएगा बाय वेरियस मेथड्स, तो 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, टू इंश्योर दैट डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर हैपन्स, दे विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और भी बहुत सारी चीजें की जाएंगी जिससे जो फार्मर की इनकम है वो डबल हो जाए एंड जो फार्म सोसाइटीज हैं वो कम हो जाए। एंड दिस इज मच नीडेड टू रिड्यूस द फार्म सोसाइटीज। हाउएवर जो ग्रोथ रेट है इंडियन एग्रीकल्चर में प्रेजेंटली, उसके चलते 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट एटलीस्ट इनकम इंक्रीज हो जाए बाय द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग, दैट इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। लाइक दिस वीडियो इफ दिस वॉज हेल्पफुल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।